इमेजिन करो आप अपने घर जा रहे हो और जब आप अपने घर से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर हो तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अब ऐसे में जहां पर आप हो वहां से आपके घर तक पहुंचने में आपको कम से कम गीला होना है। तो इसके लिए अब आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला, आप जैसे चल रहे थे वैसे चलते रहो। दूसरा, आप भागना शुरू कर दो। या फिर तीसरा, वहीं पर खड़े हो जाओ। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन चुनने पर आपके ऊपर पानी सबसे कम गिरेगा? अब देखो, मैथमेटिक्स में या फिर फिजिक्स में हमें कुछ प्रूफ करने के लिए थोड़े बहुत अजम्पशंस करने पड़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी हमें थोड़े बहुत अजम्पशंस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें यह मानना होगा कि बारिश जो है वो बिल्कुल सीधी नीचे आ रही है, मतलब बारिश की जितनी भी बूंदे हैं वो जमीन पर सीधी गिर रही हैं। दूसरा, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही। और तीसरा, ये जो सारी बूंदे हैं ना बारिश की, वो सेम अमाउंट ऑफ पानी कैरी कर रही हैं। तो अब अगर आप भागोगे या फिर चल भी रहे होगे तो आपके ऊपर से तो आपके पानी गिर ही रहा है, लेकिन आपके भागने या फिर चलने पर पानी आपके साइड से भी आपको गीला करना शुरू कर देगा। और जो पानी आपके ऊपर आपके सर की तरफ से गिर रहा है ना, वो पानी तो बिल्कुल बराबर रहेगा, चाहे आप रुके रहो या फिर आप चलते रहो। तो अगर आपको कम से कम गीला होना है तो आपको एक ही जगह पर खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि तब आपके ऊपर पानी केवल ऊपर से गिर रहा होगा, ना कि साइड से। तो आपने कभी भी ये बर्फ हटाने वाली गाड़ी देखी है? गाड़ी से जब भी बर्फ हटाया जाता है ना, तो ये गाड़ी कितनी भी तेज चल ले या फिर कितनी भी स्लो चल ले, ये अपने आगे से सेम अमाउंट में ही बर्फ को हटा पाएगी। तो ये प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया वो ये बताता है कि चाहे आप पानी में कितना भी तेज चल लो या फिर कितना भी धीमे चल लो, साइड से जो आपके पानी गिर रहा होगा ना, मतलब साइड से जो आप गीले होगे सामने से, वो आप सेम अमाउंट में ही भीगोगे। तो अब देखो, ऊपर से हर सेकंड आपके ऊपर सेम अमाउंट में पानी गिर रहा है, ये तो मैंने बता ही दिया। अब आप कितनी तेज चल रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, एक मीटर में आपके सामने से जो पानी आपके ऊपर गिर रहा है ना, वो भी सेम रहेगा इररिस्पेक्टिव टू योर स्पीड। तो अगर हम इन सारी कंडीशंस को जो मैंने आपको बताया उसकी एक इक्वेशन बनाए तो वो निकल कर आएगी, आपका टोटल भीगना इज इक्वल टू आप ऊपर से कितना गीले हो रहे हो हर एक सेकंड में, इनटू आप कितनी देर बारिश में रहे, प्लस हर एक मीटर चलने के बाद आप सामने से कितना गीले हो रहे हो, इनटू टोटल डिस्टेंस जितना आपने चला। तो ये है आपकी इक्वेशन और इस पार्ट को आपको मिनिमाइज करना है। तो अब इन सारी चीजों में से हमें हर चीज को मिनिमम करके चलना है। तो अब देखो, ये जो डिस्टेंस हमें कवर करनी है, क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं? आप यहाँ पर खड़े हो, आपका घर 50 मीटर दूर है, तो ये चीज तो फिक्स है ना, आप इसको कम थोड़ी कर सकते हो यहीं पे खड़े खड़े। आगे मैंने आपको बताया कि अगर आप कितना भी तेज चल लो या फिर कितना ही धीमे चल लो, आप जो सामने से गीले हो रहे होगे ना, वो बिल्कुल सेम अमाउंट में होगा, तो आप इसको भी चेंज नहीं कर सकते। अब जो आपके ऊपर से पानी गिर रहा है वो भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो अब बस बच जाता है यहाँ पर टाइम कि आप कितनी देर तक पानी में रहे। तो इस चीज को आप चेंज कर सकते हो। कैसे? ऑब्वियसली कम से कम देर तक पानी में रह के, और वो आप करोगे भाग कर। तो मतलब आप जितनी तेज भागोगे उतना ही कम ये टाइम होगा और उतना ही कम आप पूरे टोटल गीले होगे। तो वैसे टेक्निकली देखा जाए तो मान लो 15 सेकंड में आप अपने घर पहुंच गए, तो वो जो पानी आपके ऊपर गिरा है वो अमाउंट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अगर आप 15 सेकंड तक वहीं पर खड़े रहते। वेल, तो शायद आपको लॉजिकली इसका जवाब पहले से ही पता हो कि हाँ, ऑब्वियसली अगर हम भागेंगे ऑब्वियसली हम जल्दी घर में पहुंच जाएंगे और कम गीले होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता ना कि भाई प्रूफ करो कि अगर तुम भागोगे तो मतलब पहुंच जाओगे कम से कम गीले हुए, इस बात को प्रूफ करो, तो आप पहले तो शायद प्रूफ नहीं कर पाते। और हाँ, ये भी बात है कि टेक्निकली देखा जाए तो आप खड़े रहेंगे तो ही कम गीले होंगे, लेकिन उस केस में आप घर पे नहीं पहुंच पाओगे। तो ये सारी बातें आई एम श्योर आपको पहले से पता नहीं होंगी। तो आप बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने जो भी मन के विचार है उसको नीचे कमेंट में जरूर बताना, और क्या आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हो वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर करना मत भूलना यार, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है इस टाइम। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली एक ऐसी ही वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।